Our chapter is Terrapin's Flying Adventure. Terrapin is a turtle. Let us start reading the chapter. Terrapin was a famous creature in marshland. He was called Grumbler because he grumbled about everything to everyone. Next paragraph. One day, the birds decided they had to do something about it. तो एक दिन birds ने decide किया कि ये जो grumble करता रहता है, ये grumbler हमारा जो turtle है, terrapin है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है ज़रूर. They were fed up with his grumbling. वो लोग सब तंग आ गए थे उसकी grumbling से. They would try to teach him how to fly. वो उसे कैसे fly करना, वो उसे सिखाने वाले थे. Crow came forward. क्रो आगे आया, उसने कहा, शी सेड टेरापिन गेट ऑन माई बैक, वी विल गो फॉर अ राइड इन द स्काई. टेरापिन से कहा, प्लीज टेरापिन कम ऑन माई गेट ऑन माई बैक, मेरे बैक पे बैठ जाओ और हम राइड पे जाएंगे. दिस वे यू विल ऑल्सो लर्न टू फ्लाई, इस तरह से यू विल लर्न हाउ टू फ्लाई, कैसे फ्लाई करना है. टेरापिन गॉट ऑन टू क्रोज बैक हैप्पीली. ऑफ दे वेंट फ्लाइंग बिटवीन ट्रीज एंड टॉल हाउसेस. टेरापिन फेल्ट वेरी प्राउड when all his brothers waved to him from the ground, but he wanted more excitement. Terrapin crow ki back pe baith gaya ekdam khushi khushi aur wo fly karne laga between the trees and the tall houses aur apne aap ko proud, apne aap mein proud feel karne laga. Usme proud ki feeling aa gayi ki uske all brothers jo niche the, matlab uske jo turtle ki family ke jo log the, wo use dekh rahe the, use wave kar rahe the. पर उसको और ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए था. वो मत कह रही थी ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है. जो भी चीज़ मिलती है उसे और अच्छा चाहिए, और एक्साइटमेंट चाहिए. वी आर नॉट हाई इनफ, ग्रम्बल टेरापिन. कांट यू गो हायर? तो टेरापिन ने फिर ग्रम्बलिंग की और बोलने लगा क्रो से, हम तो इतने हाई नहीं है, क्या आप ज़्यादा हाई नहीं जा सकते हो, और हायर नहीं जा सकते हम लोग स्काई में? नो सॉरी, I can't go higher. Here's Vulture. He can take you higher. Crow said. Crow ने कहा, no, I am sorry. मैं इतना इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता हूँ. ठीक है ना? तो इसीलिए आप अब इस ये Vulture है, Vulture के पास चले जाओ. Terrapin slipped onto Vulture's back. They went gliding over forests and rivers. Oh, this is the best day of my life. Terrapin squealed with delight. टेरापिन है जो टेरापिन है वो वल्चर की सीट उस पर बैक पे बैठ गया और वो ग्लाइडिंग करने लगा टेरापिन की बैक बैक पे बैठ के, वल्चर की बैक पे बैठ के. और वल्चर नोटिस्ड हिज ब्रदर्स हैविंग अ फीस्ट. और नीचे उसने क्या देखा, वल्चर ने उसके जो फ्रेंड्स थे, ब्रदर्स थे, मतलब उसी की तरह जो वल्चर और दूसरे वल्चर थे, वो नीचे फीस्ट ले रहे थे. फीस्ट मतलब एक पार्टी जैसा, मतलब अच्छा खाना खा रहे थे. इन द वैली डाउन बिलो, वैली एक जगह होती है, पता है ना आपको, दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह जाती है ना, वी वाला शेप. यस, वेरी गुड, वैली कहते हैं. कैन यू सी डाउन देयर, ही आस्क्ड टेरापिन. टेरापिन ऑफ कोर्स कुडंट, टेरापिन मतलब यूं ही कह देता है ऑफ कोर्स, पर उसके सच में इतनी दूर का दिखाई नहीं देता. टेरापिन शॉर्ट साइटेड होता है, उसको सिर्फ पास की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की इतनी दूर की नहीं दिखाई देती, क्योंकि वल्चर की जो आई साइट होती है ना, बहुत तेज़ होती है. हम कहते हैं ना, गीत की तरह नज़र इसकी, बास की तरह, मतलब इसकी जो नज़र तेज़ है, तो इसी तरह से वल्चर की भी आँखें बहुत तेज़ होती, निगाहें तेज़ होती, तो उसको दिख जाता है दूर का. हॉक वॉज फ्लाइंग क्लोज बाय, वल्चर विसल्ड टू हॉक. वल्चर ने हॉक को विसल किया, ठीक है ना, कि अब तुम है ना इसको ले, टेरापिन को अपनी बैग पे ले जाओ, क्योंकि अब मुझे तो पार्टी करने जाना है, फीस्ट खाने जाना है अपने ब्रदर्स के पास. आई हैव टू गो डाउन. सो हॉक टुक टेरापिन ऑन हिज बैक एंड स्पैड अवे हायर. और हॉक ने, अब हॉक ने बिठा लिया, ठीक है, वल्चर की बैग से उतर कर अब हॉक की बैग पे बैठ गया टेरापिन. Now I am reaching the clouds, Terrapin said. Terrapin ने क्या बोला, अब मैं clouds reach कर रहा हूँ, ठीक है.
Coming to the next page. Just then, King Eagle with his beautiful shiny brown feathers came flying by. जस्ट हॉकी बैग पे बैठने के बाद किंग ईगल आ गया और वो अपनी ब्यूटीफुल शाइनी ब्राउन फेदर्स के साथ केम फ्लाइंग, मतलब उसके एकदम ब्यूटीफुल एकदम शाइनी शाइनी फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं. आ ब्रदर टेरापिन, दिस इज नॉट वॉट यू कॉल फ्लाइंग इन द क्लाउड्स. हॉक टेक हिम अप वेयर ही कैन गेट अ गुड व्यू ऑफ अर्थ, ही सेड. तो ईगल जो होता है बर्ड, वो हॉक से भी ऊपर जा सकता है. तो वो हॉक से कहता है ईगल कि इसको है ना और ऊपर ले जाओ, हॉक इसको टेरापिन को और ऊपर ले जाओ. हाँ ये सब सारे बर्ड्स होते हैं, ये बहुत ऊपर जा सकते, ईगल है हॉक है, लेकिन ईगल शायद होते हैं पर वो इतना ज्यादा नहीं जा सकते हैं, ईगल और हॉक की तरह नहीं जा सकते. और जैसे अभी मैंने बताया ये हॉक है ना, उसकी नजर एकदम तेज होती. हाँ ईगल सबसे ऊपर जा रही, तभी उसको देखो शायद किंग लिखा हुआ है, किंग ईगल. ओ नो आई विल ओनली फ्लाई एज हाई एज इज गुड फॉर मी. तो हॉक ने बोला मैं उतना ही ऊपर जाऊंगा जितना मेरे लिए अच्छा है, गुड फॉर मी. हॉक सेड व्हाई व्हाई डोंट यू टेक हिम, आप क्यों नहीं ले जा रहे हो इसे. उसने बोला हॉक ने ईगल को कहा आप ले जाओ आप टेरापिन को. टेरापिन गेट ऑन माय बैक, टेरापिन से ईगल ने कहा मेरे बैक पे आ जाओ एंड आई विल गिव यू अ राइड दैट यू विल नेवर फॉरगेट. किंग ईगल से तो टेरापिन वाज हैप्पी. किंग ईगल हैज द लॉन्गेस्ट विंग्स एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड, सो आई विल हैव अ कंफर्टेबल राइड. किंग ईगल जो होती है ना, उसकी जो विंग्स होती है बहुत ही बड़ी होती है और स्ट्रॉन्ग उसकी जो विंग्स होते हैं, इसलिए उसको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी, आरामदायक राइड मिलेगी. अप एंड अप एंड अप दे वेंट. किंग ईगल टुक टेरापिन सो हाई ही कुडंट सी एनी हाउसेस बिलो, मतलब इतना ऊपर ले गए कि नीचे का उसका व्यू ही नहीं दिखना दिख रहा था. दे हैड बिकम सो स्मॉल दे वर ऑलमोस्ट इनविजिबल, पहले स्मॉल दिखने लगे और फिर बाद में तो ये हालत हो गई कि वो जो उसको नीचे की चीजें बिल्कुल इनविजिबल हो गई, मतलब गायब ही हो गई, दिखनी बंद हो गई. टेरापिन बिगन टू फील स्कैर्ड, व्हाट इफ आई फॉल. टेरापिन अब डरने लगा, स्कैर्ड डरने लगा. व्हाट इफ आई फॉल आई विल क्रैश टू पीसीज ऑन द ग्राउंड, मैं पीसीज में क्रैश हो जाऊंगा, मैं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं नीचे गिरूंगा ग्राउंड पे. वल्चर विल देन फीस्ट ऑन माई टेंडर स्किन, जो वल्चर है वो मेरी नाजुक नाजुक स्किन को, मेरे नाजुक नाजुक बॉडी को खा जाएगा, फीस्ट करेगा, पार्टी करेगा उससे. हॉरिबल ही शडर्ड एट द थॉट, मतलब एकदम ही वो कांप गया उस थॉट से, इस बात को सोचकर वो कांपने लगा. कैन वी प्लीज गो डाउन किंग ईगल, आई एम स्कैर्ड आई एम फॉलिंग. ये है ना कौन बोलने लगा, टेरापिन ईगल को. बट वी कैन गो हायर, कम कम जस्ट अ लिटिल हायर, किंग ईगल सेड सॉफ्टली. किंग ईगल कहना नहीं अब अभी तो हम और ऊपर जा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं. नो टेक मी डाउन प्लीज आई एम फीलिंग डिजी प्लीज टेरापिन, टेरापिन बैग, मतलब टेरापिन बोलने लगा प्लीज नो डोंट टेक मी सो हाई आई एम फीलिंग डिजी, डिजी मतलब मुझे चक्कर से आने लग रहे हैं. But aren't you enjoying the ride? King Eagle asked, a little annoyed with Terrapin. तो वो थोड़ा सा गुस्सा होकर ईगल टेरापिन से पूछता है क्या आप एंजॉय नहीं कर रहे हो राइड को. Oh no, I mean yes, he laughed nervously. A little bit higher and then I will swoop down. Hee hee hee, King Eagle laughed. मतलब किंग ईगल भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे फिर हम बाद में धीरे धीरे करके स्वूप करके नीचे आ जाएंगे. जस्ट देन टेरापिन रिमेम्बर्ड ही हर्ड अ काइट विंडर विद स्ट्रॉन्ग थ्रेड इन हिज पॉकेट, ही क्विकली टाइड सम थ्रेड टू किंग ईगल्स लेग्स देन ही हेल्ड ऑन टू.
कमिंग टू द नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग। आप लोग सब काइट फ्लाई करते हो ना, तो ऐसे ही है ना, स्काई में काइट दिख गई और काइट का धागा लेकर उसने किंग ईगल के लेग्स पे बांध दिया। देन ही हेल्ड ऑन टू द विंड एंड लीप्ड ऑफ किंग ईगल्स बैक। फिर वो धीरे 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 वो किंग ईगल के बैक से उतर गया। एंड ही लेट हिमसेल्फ डाउन 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 ऑन द थ्रेड टिल ही रीच द ग्राउंड। मतलब वो थ्रेड के सहारे 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 नीचे 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 आ गया। फूफ सेव्ड फ्रॉम डिजास्टर। मतलब ये वाला फू वाला मतलब ये था, उसका रिलैक्स हुआ और बोला हाश मैं इस डिजास्टर से बच गया। डिजास्टर मतलब जो अनहोनी होनी थी उससे मैं होने से बच गया, गिरने से बच गया। दैट वॉज अ राइड आई वोंट फॉरगेट। आई एम हैप्पियर एंड सेफर ऑन द ग्राउंड ही सेड। अब उसको समझ आया टेरापिन को कि मैं ग्राउंड पे ही सेफ हूँ, ज़मीन पे ही सेफ हूँ, मेरा काम ऊपर उड़ना नहीं है, जो उड़ सकते हैं वही उड़ सकते हैं, इसलिए गॉड ने उन्हें विंग्स दिए हैं और हमें लेग्स दिए हैं चलने के लिए ग्राउंड पर। आफ्टर दैट डे टेरापिन नेवर ग्रम्बल्ड दैट ही कुडंट फ्लाई, ही हैड रिमेन ऑन द ग्राउंड फॉर एवर। उसके बाद टेरापिन ने कभी ग्रम्बल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की कि वो फ्लाई नहीं कर सकता है और बर्ड्स की तरह, और वो हमेशा ग्राउंड पर ही रहा। हमारे सिर्फ एक ही वर्ड मीनिंग है इसमें।